अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 निकालना है और देखनी है आपने वर्ड प्रॉब्लम्स। टुडे वी विल डू पार्ट 1, 2 and 3 ऑफ द नोटबुक। सो लेट्स टेक आउट द नोटबुक, लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑन द नोटबुक। प्रिपेयर द पेज फर्स्ट, ड्रॉ मार्जिन लाइन्स, देन राइट डेट 18/5/2021, क्लास वर्क इन ट्यूजडे। यूनिट नंबर 1, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पेज नंबर 16, वर्ड प्रॉब्लम्स। Solve the following. Word problem number 1 is a leaking tap wastes 3750 ml of water in 1 hour. एक घंटे में इतना पानी एक leaking tap में से waste हो गया। How much water will be wasted? Sorry, S नहीं लिखा यहाँ। Wasted in a day. ठीक है, तो कितना पानी एक दिन में waste हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। वाटर लीक इन 1 hour, एक घंटे में कितना है तो वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 3750 ml। वाटर लीक इन 1 day, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 hours, तो हमने 24 को 3750 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, मैंने सम बना लिया, 3750 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 4000, 4520 इन दोनों को प्लस करेंगे, 0005510 01 7 8 और 1 9 90 1000। ठीक है, मिली लीटर। टोटल वाटर लीक्ड इन 24 आवर्स इक्वल्स टू 90,000 ml, राइट। पार्ट नंबर बी पे, टू पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए, राइट। पार्ट टू, रेहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 ml ऑफ वाटर एवरी डे बाय नॉट लीविंग द टैप ओपन कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, पानी काम कर रहे होते हैं पानी से, तो उसको नल के अगर ना खोला जाए कंटिन्यूसली, वो जो खुला ही रहता है आप लोग छोड़ देते हैं, तो एहतियात से यूज़ करें तो वो इतना पानी सेव कर लेते हैं। रेहान ने ये नोट किया ड्यूरिंग हिज बाथ, नहाते वक्त। हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 days इन दिस मैनर, अगर इसी तरह वो अगर पानी बचाता रहे तो कितना 25 दिन में पानी बचेगा। वाटर सेव्ड इन 1 day, इतना बचा। वाटर सेव्ड इन 25 days, नहीं पता, वो फाइंड करना है। सो 1 day को 25 days से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 118,150 ml, डैट इज़ द वाटर सेव्ड फॉर 25 days। वाटर सेव्ड इन 25 days इक्वल्स टू 118,150 ml। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, देर आर 1440 मिनट्स इन अ डे, एक दिन में इतने मिनट्स हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 weeks, तो 8 weeks में कितने होंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी, कम टू द नेक्स्ट पेज। टोटल मिनट्स इन 1 day इतने, 1440 मिनट्स। टोटल वीक्स कितने हैं, 8। अब 1 week में 7 days होते हैं, तो 1440 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,080 मिनट्स इज़ द आंसर फॉर 1 week। ठीक है, एक हफ्ते का आंसर ही आया। टोटल मिनट्स इन 1 week इक्वल्स टू 10,080। ठीक है, 10,080 मिनट्स एक हफ्ते में हो गए। अब 8 हफ्तों का फाइंड करते हैं, मिनट्स इन 8 weeks क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक हफ्ते को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है आंसर को। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80,640 मिनट्स फॉर 8 weeks। मिनट्स इन 8 weeks इक्वल्स टू 80,640। ठीक है, तो ये 3 parts हैं, इनमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 1, 2 and 3 टुडे वी हैव डन ऑन द नोटबुक। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑन नोटबुक इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।